तुगरू लोग थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म लियो का पहला सॉन्ग ना रेडी रिलीज कर दिया गया है। और उस सॉन्ग को जब मैंने 0.25 एक्स स्पीड से देखा तो उसके अंदर मुझे बहुत सारी अजीबो गरीब डिटेल मिले और बहुत सारे ऐसे डिटेल मिले जो अपने कैरेक्टर को डिसाइड करती है। तो अगर तुमको भी लियो के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डिटेल नंबर 1, सॉन्ग के शुरुआत में ही हमको ये वाला पत्ता देखने को मिलता है और मैं बता दूं कि इसको किंग कार्ड कहते हैं और ये किंग कार्ड 4 टाइप्स के होते हैं। बट हमें जो किंग पत्ता दिखाया गया है वो एक चतुर चालाक बिजनेस में लाभ और हमेशा लाभ की तलाश में रहने वाले इंसान को अटैक करता है। इसका मतलब अपने थलापति का कैरेक्टर भी इसी पत्ते जैसे चालाक और जो भी करेगा अपने लाभ के लिए ही करेगा। और हमें बता दो कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से उठाया है तो कोई मुझे नशेड़ी मत बोलना। डिटेल नंबर 2, इस सीन पर तुम यहाँ पर एक फोटो देख सकते हो जो कि लियो का पहला पोस्टर ही है और यहाँ पर तुम एक कड़ा देख सकते हो जो कि थलापति का ही है और तुम इस कड़े को यहाँ टीजर में भी और यहाँ पर डांस करते हुए भी देख सकते हो। नेक्स्ट, इस सीन के अंदर जितने भी लोकेशन दिखाए गए हैं मतलब जितना भी रूम और जितना भी डिजाइन दिखाया गया है वो पूरा का पूरा फॉरशैडो करता है वो अपने प्रोमो वाले चॉकलेट फैक्ट्री को, क्योंकि अगर तुमने उस टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो को अच्छी तरह देखा है तो उसका जो रूम का डिजाइन है वो पूरा इसी तरह सेम था। इस सीन पर थलापति के गले में एक लॉकेट देख सकते हो जो कि प्रोमो के अंदर उन्होंने जो तलवार पकड़ा हुआ था सेम इसी डिजाइन का था, यानी ये उसी को ही फॉरशैडो करती है। और पर्सनली मेरे हिसाब से इस तलवार से कोई ना कोई फायर सिक्वेंस तो होगा ही, जैसे कि भोला के अंदर त्रिशूल के अंदर दिखाया गया था वैसे ही इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो नेक्स्ट डिटेल बहुत ही मजेदार है क्योंकि इस सॉन्ग के अंदर एक छोटा सा पूरा का पूरा स्टोरी दिखा दिया गया है जो कि लियो के कैरेक्टर को ही फॉरशैडो करता है। तो यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है कि एक पेड़ है और उस पेड़ को किसी ने काट दिया और जिसने भी उसको काटा है उसको अपने थलापति के कैरेक्टर ने या फिर किसी के भी कैरेक्टर ने उसको मार दिया। मेरे हिसाब से ये पेड़ की कहानी पूरी की पूरी थलापति के कैरेक्टर को ही फॉरशैडो करती है क्योंकि थलापति का कैरेक्टर इसी पेड़ के जैसा सीधा साधा होगा मगर उसके साथ अगर किसी ने छेड़खानी की तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। अगले सीन में तुम लोग यहाँ देख सकते हो कुछ सामान ट्रक में लोड होकर एक घर की ओर बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये फॉरशैडो करता है थलापति के चॉकलेट फैक्ट्री को। फॉर एग्जांपल उस प्रोमो के अंदर भी कुछ गाड़ियां जो है थलापति के घर के पास आ रही होती हैं और यहाँ पर भी जो है कुछ ट्रक में माल लोड होकर उसी घर के पास ही आ रही है। और प्रोमो के अंदर जब गाड़ियां पहुंचती हैं तो रात हो गया होता है और इस सीन के अंदर भी जब गाड़ियां पहुंचती हैं तो रात है और प्रोमो के अंदर जो घर दिखाया गया था उसके आसपास भी पहाड़ था और यहाँ पर भी जो सीन दिखाया गया है उसके भी आसपास पहाड़ है, यानी इस घर के अंदर कुछ न कुछ कांड होने वाला है या फिर इस घर के अंदर थलापति ने कुछ ऐसा सामान छुपाया हुआ है जिसको सारे लोग खोज रहे हैं और सारे लोग यहीं आ रहे हैं उसको लेने के लिए। नेक्स्ट डिटेल, इस सीन पर तुम लोग एक कागज का उड़ता हुआ प्लेन देख सकते हो जो कि मेरे हिसाब से ये कोई थलापति का प्लान का हिस्सा है क्योंकि हमने अगर फास्ट सीन में चले जाए तो वहाँ पर भी एक कागज का जो है जहाज देखने को मिला था और मेरे हिसाब से ये थलापति का कैरेक्टर अपने आने वाले दुश्मनों के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ पहले से ही करके रखता है और उसका ये एक छोटा सा हिंट है। इस सीन पर तुम देख सकते हो कि विजय के हाथ में एक कड़ा है और उसने उसी तरह पकड़ा है जैसे मास्टर मूवी के अंदर विजय सेतुपति को मारने के लिए पकड़ा हुआ था, यानी इस मूवी का मास्टर मूवी से कुछ न कुछ लिंक है। अगर लिंक नहीं हुआ तो भी इस कड़े के अंदर कुछ न कुछ सीन होगा और मेरे हिसाब से ये मास्टर मूवी से ही इंस्पायर होकर लिए होंगे। नेक्स्ट डिटेल, और ये डिटेल सच हो सकता है क्योंकि तुम सब लोगों ने अगर वीडियो सॉन्ग देखा है तो तुम्हें पता होगा इसके अंदर संजू बाबा का भी एक सीन था, मगर मैं बता दूं कि अगर उनका कोई काम नहीं है तो ऐसे ही वो शूटिंग सेट पर नहीं आते, या तो हो सकता है उनका इस सॉन्ग पर कैमियो हो या फिर उनकी पूरी की पूरी एंट्री सीन या फिर ये सॉन्ग जो है पूरा एंड में होगा जिसके अंदर दोनों थलापति विजय और अपने संजू बाबा का कैरेक्टर एक साथ डांस करेंगे। और इस सीन पर एक बहुत ही धमाकेदार बिरयानी वाला सीन दिखाया गया जो कि फॉरशैडो करता है कैथी मूवी के अंदर के बिरयानी वाले सीन को। और सबसे आखिरी डिटेल है वो OTT को लेकर है, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इसके एंड में यहाँ नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, यानी ये फिल्म जो है थिएटर के बाद OTT पर ही रिलीज होगी और जो भी थलापति के फैंस थिएटर नहीं जा सकते OTT पर वेट करेंगे तो वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखें क्योंकि उनके आने वाली फिल्म उनका भी बहुत जोर शोर से वेट कर रही है। तो बस इस छोटे से सॉन्ग के अंदर छोटी मोटी सी डिटेल्स थी जिसे देखकर मुझे तो मजा आया, बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। लियो का टीजर ट्रेलर जब आएगा उसके डिटेल पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय और गुड बाय।